हैप्पी टीचर्स डे। वालेकुम, मेरा नाम फातिमा सुहरा है। तो मैं सबसे पहले तो हैप्पी टीचर्स डे कहना चाहूँगी। और जो टीचर्स जो है वो पेरेंट के बाद जो है हमारे वालिदैन कहा जाता है, जो कि बहुत ही ज़रूरी भी है, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जो हम अपने पेरेंट्स से शेयर नहीं कर सकते। और टीचर्स जो है वो हमारे साथ अच्छी तरीके से अगर व्यवहार करें तो हम अपनी दिल की बातें जो है वो टीचर्स से कर सकते हैं। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने पेरेंट्स से नहीं बोल पाते क्योंकि हमें डर लगता है कि कहीं वो डांट ना दे। तो टीचर जो है वो दूसरा जो बेस्ट फ्रेंड है वो टीचर हो सकता है। तो सब मेरी तरफ से हैप्पी टीचर्स डे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फनीस फातिमा है और मैं गवर्नमेंट गर्ल्स हाई सेकेंडरी से बोल रही हूँ और मैं 10th क्लास में पढ़ती हूँ। आज हमारे स्कूल में टीचर्स डे 5th सितंबर को टीचर्स डे मना रहे हैं और यहाँ पे हमने हम सब लोगों ने सारे बच्चों ने मिलकर एक छोटा सा प्रोग्राम रखे हैं। और मैं अपनी तरफ से सारे टीचर्स को टीचर्स डे बोलना चाहती हूँ। हैप्पी टीचर्स डे। जीडिंग 5th सितंबर इन टीचर्स डे मनाए बात गथेस टीचर्स डे इसलिए मनाए बात क्योंकि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन बट यूनिवर्सिटी मध्य शाखा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1888 यहाँ के पिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट इन मीन दोना भारत रत्न अवार्ड आउथोपिन दोना देना डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक स्कॉलरशिप इन मीन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जब प्रेसिडेंट तनमीन ते जन खे फ्रेंड किया फिर खे स्टूडेंट से खुआटिस की 5th सितंबर ला गाँव यही बर्थडे इजा इन उसे जाना यही बर्थडे एनिवर्सरी में पूरा होल इंडिया से बना खुद उदी रिप्लाई बस पिन की खे बर्थडे एनिवर्सरी बाबा संग टीचर्स सही टीचिंग अप्रिशिएट बसे टीचर्स डे मनाई बस पूरा होल इंडिया में पिन दे वजह से गाँव पूरा होल इंडिया में टीचर्स डे मनाई बात। आज टीचर्स डे के दिन पे लद्दाख के आवाम को और पूरे देशवासियों को टीचर्स डे का हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगी, जो कि डॉक्टर राधाकृष्णन के बर्थडे पे ऑब्जर्व किया जाता है। इसका मेन मकसद और मुद्दा इस डे को सेलिब्रेट करने का यही है कि जितने भी हमारे टीचिंग फ्रेटर्निटी है, गुरु जब कहते हैं तो गुरु में कोई भी आ सकता है, हमारे पेरेंट्स से लेकर टीचर से लेकर हर कोई जिससे हम कुछ भी सीखते हैं वो हमारे गुरु है। तो उन सबको बधाई देने के लिए, उन सबको वैल्यू देने के लिए, रिस्पेक्ट देने के लिए, ग्रेटिट्यूड पेश करने के लिए हम इस दिन को ऑब्जर्व करते हैं। और जितने भी हैं सब टीचर्स को मेरी तरफ से बहुत बहुत हैप्पी टीचर्स डे कहूँगी। एक दौर ऐसा था जहाँ पे हम बच्चों को डांट के पीट के मार के समझाते थे कि जो टीचर्स और बच्चों का गैप है उसको और बच्चों को पढ़ाने के लिए लिखाने के लिए किस तरह से समझाने वो एक अलग रास्ता होता था। तो आज के दौर में इस टेक्नोलॉजिकल एरा में हम ये देखते हैं कि बच्चे बहुत समझदार है, बचपन से ही उनको एक्सपोजर बहुत ज़्यादा मिलते हैं, पॉजिटिविटी बच्चों का बढ़ा हुआ होता है और फिर सिचुएशन जो भी उस बच्चों के सामने आता है उसके साथ कैसे रिएक्ट करना चाहिए और कैसे कर सकते हैं उस तरह के बहुत सारे एक्सपोजर्स मिलते हैं। तो बच्चे थोड़ा सा मेंटल लेवल पे सेंसिटिव हुए होते हैं। तो मैंने एज अ प्रिंसिपल और एज अ लेक्चरर ऑल्सो जब मैं थी तो मैंने ये ऑब्जर्व किया कि मतलब बच्चों को आज के दौर में डांट से ज़्यादा थोड़ा सा प्यार से उनको समझाना बहुत ज़रूरी है और समझदारी से लेना बहुत ज़रूरी है। और बच्चों के लेवल तक जाके अगर जैसे कोई बच्चा अगर स्कूल कंटिन्यूसली नहीं आ रहे हैं, क्लास में मायूस दे रहे हैं, कुछ कम स्कोर कर रहा है या फिर उसका रिस्पॉन्स अगर अच्छा नहीं है, तो ये हम एज अ टीचर ये थोड़ा सा ग्राउंड लेवल पर जाके क्या प्रॉब्लम है, बच्चों के साथ क्या प्रॉब्लम हो सकता है, थोड़ा सा विजु मतलब थोड़ा सा हमें इसके ऊपर स्टडी करके या उसके साथ बात करके उसको काउंसलिंग करके उसके मेंटल स्टेट पे जो एक्चुअली हो रहा है मेंटली वहाँ तक पहुँच के उसको समझ के इसको टैकल करना बहुत इम्पोर्टेंट लग रहा है।